हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंटो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आईपीएस की पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोस्तों जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और जिन स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस की सर्विस रहती है उनको विद इन 2 और 3 मंथ के साथ मसूरी में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। मसूरी में यहाँ लबासना मींस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी उत्तराखंड में उनका 3 मंथ का वहाँ पे फाउंडेशनल कोर्स होता है। देन उसके बाद जो आईपीएस कैंडिडेट होते हैं उनको साउथ इंडिया में हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी ऑफ पुलिस वहाँ पे भेज दिया जाता है, नेशनल पुलिस एकेडमी सॉरी, वहाँ पे उनके ट्रेनिंग के लिए उन्हें भेज दिया जाता है। तो दोस्तों जब वो अपने ट्रेनिंग के दौरान उनके जो पहले 2.5 से 3 साल होते हैं तब वो एज ए असिस्टेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट पुलिस के रूप में काम करते हैं। तो इसमें आपने मोस्टली देखा होगा जब एक आईपीएस ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग होता है तो फर्स्ट ईयर में उसमें आईपीएस के साथ आईपीएस के बैच के साथ 1 स्टार रहता है एंड जैसे ही 1 साल के बाद 2 स्टार रहते हैं फिर 3 स्टार, 3 साल में 3 स्टार लग जाते हैं। तो जब उसे एक किसी स्टेट में डेपुटेशन होना होता है तो वो एज ए डीएसपी सर्विस को ज्वाइन करता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी भी बताऊंगा और रैंक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो डीएसपी है यानी कि डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसकी जो सैलरी है वो 56,100 रुपया होती है एंड 3 से 4 साल बाद जब इसकी प्रमोशन हो जाती है, प्रमोशन होने के बाद जे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं तो इनकी सैलरी ये 67,700 होती है। इसमें आप जितने भी ग्रेड, इसमें हर साल का जो ग्रेड पे जुड़ता है, देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ता है, डेयरनेस डीए अलाउंस जो जुड़ता है, सब मिला इंक्लूड करके ही इनकी सैलरी मैं बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट जब ये प्रमोट होते हैं तो ये एज ए एसपी के रूप में सर्विसेज देते हैं, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तब इनकी जो सैलरी है वो 78,800 रुपीज होती है। फिर से आफ्टर नेक्स्ट प्रमोशंस के बाद जे एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में अपनी सर्विसेज देते हैं। दोस्तों तब इनकी जो मंथली सैलरी है वो 1,18,500 रुपये होती है, प्रतिमा होती है। नेक्स्ट प्रमोशन के बाद एसएसपी प्रमोट होके डीआईजी बनते हैं, मीन्स टू से डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो तब इनकी सैलरी 1,31,000 होती है। डीआईजी प्रमोट होके 3 से 4 साल के बाद ये आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में अपनी सर्विसेज देते हैं, तब इनकी सैलरी 1,44,200 रुपये होती है। दोस्तों आईजी के बाद जो पोस्ट आती है आईपीएस की वो है एडीजीपी, एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और जो इसकी सैलरी है वो 2,05,400 रुपये इसकी मंथली सैलरी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आती है जो पुलिस महानिदेशक हम इसे बोलते हैं यानी कि स्टेट पुलिस चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसकी सैलरी 2,25,000 रुपये प्रति माह होती है। ये एक स्टेट का मुखिया होता है जिसकी जितनी भी पुलिस है वो इसी के अंडर आती है। दोस्तों ये थी आईपीएस की पोस्ट के बारे में। और अब बहुत सारी ऐसी भी हमारी कंट्री के डिपार्टमेंट्स हैं जैसे सीबीआई हो गया, सीआईडी, आईबी, रो, इनमें भी हाई लेवल की जो अथॉरिटी है होती वो आईपीएस ऑफिसर्स के कंट्रोल में ही होती है। ओके दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आईपीएस को दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। पहले मैं आपको इसका डोमेस्टिक फैसिलिटी की बात करता हूँ। डोमेस्टिक फैसिलिटी में इनको एक गवर्नमेंट ऑफिशियल व्हीकल दिया जाता है जो अपने ऑफिशियल्स ड्यूटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, रहने के लिए इनको एक बंगलो दिया जाता है, देन ड्राइवर, गार्डनर, किचनर और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो इनके साथ रहते हैं तो जो इनको ही अलॉट होते हैं। दोस्तों उसके साथ अगर मैं बात करूं इनकी ऑफिशियल ट्रिप की तो ये इनका फ्लाइट और रेलवे का जो किराया रहता है फर्स्ट एसी क्लास में वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वो सब कुछ गवर्नमेंट बेयर करती है।
नेक्स्ट बात करते हैं इनके घर का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी फोन एंड इंटरनेट जो बिल है वो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंस के द्वारा ही उठाया जाता है। दोस्तों एक बात और, इनका आईपीएस के पास एक वाइट पासपोर्ट होता है। वाइट पासपोर्ट का मतलब होता है कि विद इन द कंट्री इनकी किसी भी एयरपोर्ट में इनको चेकिंग से छूट दी जाती है, और जब भी ये किसी फॉरेन कंट्री में विजिट करते हैं तो इनको एज ए गेस्ट रिसीव किया जाता है। ये इनके पास वाइट जो पासपोर्ट है उनकी खासियत है। दोस्तों अगर हम बात करें मेडिकल फैसिलिटी की, जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इनको और इनके फैमिली मेंबर्स को जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों उसके बाद स्टडी लीव की बात कर लें। जैसे एक आईएएस ऑफिसर अपनी सर्विसेज के दौरान अपनी स्टडी लीव पे जाता है, सिमिलरली एक आईपीएस ऑफिसर अपने 7 ईयर की अपनी सर्विस का टेन्योर कंप्लीट करने के बाद वो स्टडी लीव पे जा सकते हैं। तो स्टडी लीव इनका रहता है 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक। ये स्टडी लीव पे वर्ल्ड के किसी भी प्रेस्टीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये अपनी स्टडी और रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं, और इसका भी जो खर्चा है वो सारा का सारा गवर्नमेंट बियर करती है। तो दोस्तों ये थी आज आईपीएस की पोस्ट और उसको दी जाने वाली फैसिलिटी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दोस्तों इससे पहले मैंने एक आईएएस की सर्विसेज की फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।